अरे क्या मिल रहा है, ताकत जो है ना कलाई हो। थामा काम इस बार पीछे बड़ी भी गेंद ऑफ साइड के बाहर जैसे बाइक लेना है नहीं आप लोग दायान ले रहे हैं। इमरान मोहम्मद आपको खुशामदीद कहेगा नज़माबाद के सब्ज़ार से, जहां पर है कराची नाइट रमजान क्रिकेट टीम लीग सीजन 2। आज मैच नंबर 4 है, खेला जाएगा। क्यों गए थे? सही है सही है, वार्म अप हो गया। सही है सही है। पहले ओवर का खेल जारी है, सही है, गुड कॉल। बैकअप पे आओ, साथ दौड़ कर शायान ने ये स्पिन कर लिया। नेक्स्ट टाइम करेंगे पीछे बड़ी गेंद ऑफ साइड के बाहर जैसे जोरदार अंदाज से कट किया और थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर जाएगी 4 रन के लिए। ताकत कर रहे थे लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए हैं। गुड रन गुड रन, एक्सीलेंट दूसरे ओवर का आगाज से पोलैंड एंड की जानिब से दाहिने हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर, इस मरतबा थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, इसे जगह बनाते हुए गैप में खेलने में कामयाब हुए। डीप गली और थर्ड मैन के दरमियान सही है वाले शानदार क्रिकेट ग्राउंड का मंजर शानदार मनाजिर स्क्रीन की जीने बनते हुए थोड़ा जान से रखती ना। हाँ पार यार, हाँ ये ऑफ पकड़ के सीधी सीधी कर रहा है ये तो। हाँ सीधी का बॉल थोड़ा अंदर आ रहा था फास्ट बॉलर का। हाँ आगे बढ़ते थे ना, इसके सामने सामने अंदर रिस नहीं ले भी यार। चलो आजा आजा आजा, बैठे 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 जान बैठे। कवर के फील्डर से हुई यहाँ पर मिस फील्ड और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत आला एक्सीलेंट, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। यकीनन ये बाउंड प्ले का खेल है और सिर्फ दो ही खिलाड़ी दायरे से बाहर है, तो यहाँ पर मौके हैं बल्लेबाजों के पास। राइट आर्म अराउंड द विकेट गेंद करते हुए इस बार दबा बने 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 इंडिया में खेलने में कामयाब हुए, एक रन का मजीद।
सही है। बल्लेबाजी करेगी आज जेएफएस फिल्डर्स की टीम। चलो यार कम ऑन गाइस कम ऑन। रिश्ता भरपूर फायदा उठा लिया है। बनाते हुए केले गैप में और शानदार अंदाज से गेंद को बाउंड्री लाइन की राह दिखाई और डीप गली और बैकवर्ड पॉइंट के दरमियान से गेंद को उतारने में कामयाब हुए। शानदार चौका बैट से आता हुआ यहां पर हारिस अहमद के। सही है बहुत आला शान। एक रन यहाँ पर बनाने के लिए दौड़े हैं और खतरे में थे। बाल बाल बचे डायरेक्ट थ्रो अगर लगती यकीनन परेशानी में भी आ सकते थे। अच्छा फर्स्ट टाइम ऐसे यार नहीं होंगे ढीले एक अच्छा जो लॉन्ग ऑन पे 29 हो गए टीम में स्कोर सही चल रहा है बिल्कुल। हो गया बहुत आला एक्सीलेंट शॉट सही सही मिलेगा सब फिट करने चाहते थे लेकिन गेंद लोग कुछ खाने का बेड़ा उठाया है और दुनिया के दोस्तों से लाइन बेड जान और दो जवान खिलाड़ियों को अपनी बॉलर के हाथ में आई थी शानदार मौका है। सही है इसकी रन नहीं लो और इस मरतबा कट किया खूब किया कमाल किया भाई सारे गेम मिल रहे हैं नजाकत जो है ना कलाई होगी और गेंद गई बॉडी अहमद और के साथ है इमरान अमीन की स्कूटर मैच जीत भी बजा रहे हैं हमारे इसी हफ्ते में एक राउंड करेंगे कोशिश करेंगे कि बॉल बॉल बच्चे बल्लेबाज बॉडी 2 होगा बेहतरीन है ना बहुत गंभीर हो जाती है खमियाजा मुकदम पड़ेगा पहली विकेट की सूरत में ये बोला रन आउट आपकी स्क्रीन पर पहले निकले रन बनाने के लिए लेकिन फिर सादिक खिलाड़ी ने कहा कि आप जाइए मैं नहीं बनाऊंगा तो यहाँ पर पहली विकेट का झटका लगा दिया गया है रन आउट की सूरत में बल्लेबाज आउट हुए तो फिर मामला इतना आसान नहीं होगा। इस मरतबा ऑन साइड की जानिब खेलना चाहते थे गेंद पैड पे लगी एंड उस वक्त जब बिल्कुल विकेटों के सामने मौजूद थे और एम्पायर ने की उंगली फसा में आउट करार दे दिया। जाहिद एक बार फिर अपने बॉलिंग के मार से इस मरतबा फ्लिक किया और सीधा फील्डर के हाथों में ओसामा नजीर का शानदार कैच कर लिया यहाँ पर ओसामा नजीर ने जिंदगी मिली और शायान सामना करेंगे एक कदम आगे निकाल कर खेल दिया है इस मरतबा डी मेट्रिक यानी फील्डर दौड़े हैं लेकिन कुछ कर पाएंगे बिल्कुल नहीं कर पाएंगे अच्छी एफर्ट जरूर है और मजीद एक और विकेट का नुकसान होगा और अफान का डिपार्चर हुआ और आउट होने के बाद वापस आते हुए रन आउट हो गए हैं यहाँ पर अफान ने गलत रनिंग बिटवीन द विकेट हमेशा ही खसारे का बाइस बनती है। बल्लेबाज से दिखाई दिए है बल्ले को काफी हवा में रखकर बल्लेबाजी करते हैं इस मरतबा ये कमाल की हिट है इसे रोकने वाला कोई नहीं टोकने वाला कोई नहीं और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर रन मिलेंगे 1-2-3 नहीं पूरे 4। इस मरतबा विकेट के अकब में डीप फाइंडिंग एरिया को तलाश किया और गेंद को फेंक दिया खुले इलाके में और इस मरतबा बैकवर्ड स्क्वायर लेग की जानिब खेलते हुए एक रन और अब जोड़ा मुकम्मल करने के लिए दौड़ गए हैं और रन आउट की अपील
और एम्पायर ने कर दी उंगली फिजा में और आउट करार दे दिया। इसी के साथ 50 रन मुकम्मल करके यहाँ पर इनिंग तमाम हो गई है। 50 रन भी मुकम्मल किया 104 के मजमुए पर जी। ये गिरने वाली पांचवी विकेट जब शायान ने जो कि आज ओपनिंग करने के लिए आए थे और काफ़ी देर से विकेट में मौजूद थे, बिलाकर उन्होंने अपने 50 रन मुकम्मल किए, लेकिन ये दूसरा रन लेने की पादाश में अपनी विकेट गवा बैठे और ताहा वसीम एक बार फिर सामना करेंगे। इस मरतबा अपील की है और एम्पायर ने एक मरतबा फिर की उंगली फजा में और आउट करार दे दिया। इस दफा उठाकर खेले हवा में, फील्डर मौजूद हैं लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से जरूर गई है, लेकिन आखिरी लम्हात में गेंद की रफ्तार में कमी आ गई थी और फील्डर ने गेंद को फील्ड करके वापस किया। और इसी के साथ इनिंग तमाम हो गई है और मजमू तौर पर आज 20 ओवर के खेल में बल्लेबाजों ने 153 का मजमुआ तरतीब दे दिया है 8 विकेट के नुकसान पर। आज टॉस जीतने के बाद पहले 153 रन आज शायान अहमद ने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। उन्होंने 33 बॉलों पर 50 रन की इनिंग खेली और 19 रन की इनिंग खेली आज हारिस अहमद ने और 27 रन की इनिंग खेलने में कामयाब हुए आज अफान फैजान गुगन। तो अपनी बल्लेबाज विकेट पर मौजूद स्पोर्ट्स प्रो के ताहा वसीम पहले ओवर के लिए। बॉल थर्डमैन की जानिब जरूर आई लेकिन फील्डर मौजूद थे, 4 वाइड बॉले कर चुके हैं इस ओवर में। उठाकर खेल दिया इस मरतबा, क्या फील्डर कैच कर पाएंगे? अरे यहां पर कैच छोड़ दिया, फास्ट गलती की यहां पर फील्डर ने, सीधे बैट के साथ ड्राइव किया इस मरतबा मोहसिन ने और फील्डर ने एक मरतबा फिर कोताही की है। अपनी जगह पे खड़े खड़े इस मरतबा कट किया बैकवर्ड पॉइंट एरिया के जाने पर मिसफील्डिंग हुई है यहां पर और इसका नतीजा एक रन और बल्लेबाजों को मिलेगा। तो दौड़ना शुरू किया, एम्पायर के बगल से गुजरे और इस मरतबा बल्ले का किनारा छूती हुई गेंद थर्डमैन और गली के दरमियान से फील्डर गेंद का ताकुब करते हुए बिल्कुल बाउंड्री लाइन के नजदीक गेंद को रोकने की कोशिश की गई है लेकिन गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। एम्पायर का इशारा आया 4 रन। सेंट पाकिस्तान में अपनी क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए फजा से इन खिलाड़ियों को खेलता हुआ देख रहे हैं और एक और शानदार डिलीवरी फयाज हुसैन की। अब बॉलिंग में तब्दीली की गई और दाहिने हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर जिन्हें मुतारिफ करवाया गया है पार्टी एंड की जानिब से हारिस अहमद की तैनाती। एक और बड़ी तेजी के साथ लिया गया रन, बिजली की तेजी, ये बल्लेबाज दौड़े नहीं हैं, उड़े हैं, वसत हासिल कर रही है और बड़ी दिलकश हिट इस मरतबा उसामा नजीर के बल्ले से लेकिन शानदार थ्रो के जरिए रन आउट करने की कोशिश की गई। फयाज हुसैन की जानिब से बड़ी तेजी के साथ बॉल पर लपके उसामा सामना करेंगे। शॉर्ट कवर एरिया में बॉल को खेला जरूर है लेकिन फील्डर की मौजूदगी में तमाम खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद मैच में नजरें जमाए हुए और कुछ बल्लेबाज भी यहाँ पर पैट किए हुए अपनी बारी का इंतजार करते हुए। और इस मरतबा पहली विकेट का नुकसान हो जाएगा। फयाज हुसैन ने कामयाबी समेटी और यकीनन पढ़ने के बाद बड़ी तेजी के साथ ही अंदर की जानी भाई है गेंद और बिल्कुल समझने से कासे रहे और क्लीन बोल्ड कर दिया। अपील की थी यहाँ पर लेकिन एम्पायर
मुतासर नहीं है, इस अपील से सामना करेंगे। क्लीन बॉल कर दिया, यू मिस आई हिट, तुमने छोड़ा और मैंने फोड़ा, क्या ही कमाल लिया पर गेंद थी और बिल्कुल समझने से कहां से रहे और गेंद सीधी विकेट से जा लगी और क्लीन बॉल हो गए मॉसेन। कौन है जायद? इस मरतबा बड़ी विकेट लगाना चाहते थे लेकिन गेंद उनकी बॉडी से लगी है। करेंगे एक बार फिर से फैजान का बाएं हाथ के पस्त कामत थे, मजबूत जिसामत के गेंदबाज हैं ईएफएस बिल्डर के। इस मरतबा लूप के साथ गेंद की थी, इसे खेल दिया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और एक ही रन यहां पर बनाएंगे। मरतबा मजमूआ 63। अपील की है, जोरदार अपील की है, सवाल या निशान बने हुए एम्पायर के सामने और एम्पायर ने कहा कि ये जवाब मेरे पास मौजूद नहीं। फ्लाइट डिलीवरी फुल टॉस बनाकर इस मरतबा मिड विकेट की जानिब खेले, सीधा फील्डर के हाथों में एक शानदार कैच के नतीजे में यहां पर मुसैफ की इनिंग का हुआ खात्मा। यकीनन एक हेल्थी रन रेट वाले बातों को दरकार रहेगा और इसी अस्था में मोहम्मद जाहिद की यहां पर इनिंग का खात्मा हुआ, क्लीन बॉल हो गए मोहम्मद जाहिद। अच्छा शॉट डीप मिड विकेट की जानेब और बहुत अच्छा कैच ले लिया। अच्छी बॉल, जोरदार अपील की एलबीडब्ल्यू के लिए मगर एम्पायर अनमूव्ड। बढ़ता हुआ स्कोर, अच्छा शॉट उसको अल्लाह की जानिब खेल दिया, इस पर तब 4 रन मिलेंगे। एम्पायर का इशारा, मिडाउन की जानी बॉल गई जहां एक ही रन मिल पाएगा। अच्छा शॉट पॉइंट के ऊपर से खेल दिया 4 रन के लिए, इस तरह 131 रन बना सके स्पोर्ट्स प्रो की टीम और ये मैच जीएफएस बिल्डर ने 22 रन से जीत लिया है। पानी का मुजाहरा किया फयाज हुसैन ने बाएं हाथ के चाइनामैन गेंदबाज, उन्होंने 4 ओवर किए, 12 रन देकर 2 विकेट हासिल की, कमाल की गेंदबाजी, उन्होंने मैच को चेंज करके रख दिया और अपनी टीम को फतह से हमकिनार करवाया आज के मैन ऑफ द मैच। मैच में आए कप्तान है जीएफएस बिल्डर के फैजान अहमद, उन्होंने मैच से तब्दील किया, गेम चेंजर ऑफ द मैच फैजान अहमद बेहतरीन फील्डर। विकेट के पीछे शानदार विकेट कीपिंग का बताया किया तो फील्डर के जमीन में ही आएंगे और बैटिंग भी बड़ी शानदार की थी आज, 50 रन भी बनाए थे फैजान शायान ने।